नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। देवास समीरा हत्याकांड मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। पुलिस ने मृतक पर चलाई गई बंदूक और इस्तेमाल की गई दो एक्टिवा जब्त की। आपसी विवाद में गोली मारी गई, कई बार होते रहते थे विवाद। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूचना दी। बाहर मौजूद समीरा की पत्नी ने कहा, पुलिस कार्रवाई से नहीं है संतुष्ट। भाजपा नेता का फिर लिया नाम, बोले मुख्य आरोपी वह उसे पकड़ा जाए। हालांकि तथ्यों के आधार पर कहानी कुछ और। वहीं आरोपियों पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज। समीरा हत्याकांड वाले मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को धर दबोचा और गिरफ्तार कर उन पर आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। मृतक समीरा 2013 की हत्या के प्रकरण में सजा काट रहा था, जो कि पेरोल पर 2 माह से बाहर होकर घर पर रह रहा था। वहीं उसकी हत्या होने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रकरण में अज्ञात आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और कथनों के आधार पर की गई, जिसकी पहचान रोहित शर्मा, गोविंद चौधरी, विवेक सिंह, विजय मालवी के रूप में हुई। सभी आरोपी देवास के निवासी हैं, समीरा से जुड़े हुए थे, जो कि किसी विवाद के चलते उसके घर पहुंचे थे। जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो गोविंद चौधरी ने बंदूक निकालकर गोली चला दी। गोली समीरा की छाती में जा लगी, जहां उसे जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चूंकि विवाद बढ़ने के बाद समीर को गोली मारी गई, इसलिए ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। समीर खुद हत्या के दोष में सजा काट रहा था। वहीं पूरे इस मामले में हर बिंदु को लेकर जांच कर विवेचना की जा रही है। मृतक समीर राय की पत्नी का कहना है, पुलिस उसके कहे अनुसार प्रकरण दर्ज नहीं कर रही, जांच नहीं कर रही, जिससे फिर आज भाजपा नेता का नाम लिया। हालांकि जब कोई सबूत तो उस तौर पर मीडिया द्वारा मांगा गया, तब मृतक की पत्नी के पास कोई जवाब नहीं था। इधर एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, मृतक का और इन चारों का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जो कि आपस में एक दूसरे को जानने वाले ही थे, जिसके चलते गोविंद चौधरी ने बंदूक निकालकर समीर को गोली मार दी। जिला अस्पताल आते हुए उसकी मौत हो गई। घटना के आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढ निकाला है। वहीं आगे की जांच और विवेचना तथ्यों के आधार पर की जा रही है। रमजान खान की रिपोर्ट। और उसके साथी थे, तो उसको समझाइश दिलाने के लिए लोग वहाँ गए थे, लेकिन चूंकि बात नहीं बनी, तो बात ज्यादा बढ़ गया और इसको वहाँ पर गोली मार दी। एक और कारण जो घटना का सामने आया है, उसमें यह है कि रोहित शर्मा की एक महिला मित्र है, जिसको दो व्यक्तियों ने, जो मृतक के साथी थे, उनके साथ भी परिचय था, इस चीज को लेकर दोनों में विवाद था, इसकी समझाइश करने के लिए ये लोग वहां पर गए। आपने अभी तक टीएनटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।